विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, जहां सदन कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां प्राकृतिक रूप से विपक्ष का सरकार के खिलाफ विरोध दिखाई दिया, जिसके चलते विपक्ष ने सभा त्याग किया। शीतकालीन सत्र के शुरुआती दौर में विधायक नवाब मलिक का मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठा। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पत्र लिखा गया था, जहां नवाब मलिक के सत्ता पक्ष में बैठने की बात को लेकर फडणवीस ने नाराजी जताई, जिस पर भारी मात्रा में प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसी श्रृंखला में उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत राष्ट्रवादी अजित गुट के नेता एवं पूर्व सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वाचलं पहिल्यांदा नवाब मलिक साहेब कालच पहिल्यांदा सभागृहामध्ये आलेले होते, ते कुठं बसले काय बसले ते टीव्हीवाल्यांनी दाखवलेलं आहे। त्यामध्ये स्वतः नवाब मलिकांची भूमिका, कारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये 2 जुलैला आम्ही सगळ्यांनी आपली म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे आणि आम्ही या महायुतीच्या बरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या पद्धतीनं आम्ही सरकारमध्ये गेलो। पहिल्यांदाच ते सभागृहामध्ये त्याच्यानंतर आलेले, त्यांची भूमिका काय आहे, त्यांची कुणाची, नवाब मलिक साहेबांची, कारण प्रत्येकाला आपापली भूमिका विशद करण्याचा अधिकार आहे, त्यांची भूमिका काय आहे हे ऐकल्यानंतर मी त्याच्याबद्दल माझं मत घेईन। मी सांगितलेलं आहे की ह्या संदर्भात आपल्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं पत्र मला मिळालं, पत्र ते वाचलेलं आहे, ते पत्राच्या संदर्भात मला एवढंच सांगायचं आहे की पहिल्यांदाच नवाब भाई ह्या सगळ्या राजकीय घटना घडल्यानंतर आलेले, अजून त्यांनी त्यांचं स्वतःचं मत त्याबद्दल व्यक्त केलेलं नाही आहे। त्यांनी त्यांचं मत व्यक्त केल्यानंतर स्पष्ट भूमिका त्या ठिकाणी पुढे येईल आणि मग त्याच्यानंतर मी माझी भूमिका आणि पक्षाची भूमिका मांडेल, नंबर एक। दुसरी गोष्ट ह्या संदर्भात अजून त्यांचं आज ते म्हणजे तब्येतीच्यामुळं त्यांना कोर्टाने संधी दिलेली आहे, अजून त्याच्या संदर्भातले केसेस त्या बाबतीमध्ये चालू आहेत, त्याच्यावर त्यांचं मत एकदा काय येते तर ते स्पष्टपणे कळू द्या ना। ठीक आहे, आता विधानसभेमध्ये कोण कुठे बसला तो महत्वाचा नाही, प्रश्न हे आहे की विधानसभेमध्ये अधिकार आहे आणि त्याच्यामुळे जे आले, आता आल्यानंतर काही कोणाला भेटल्यानंतर असं म्हणणं की आम्ही त्यांना पुरस्कृत करतो की दुसरे पुरस्कृत करतो, अतिशय म्हणजे दिशाभूल करणारी गोष्ट आहे। ठीक आहे, देवेंद्रजींनी काय पत्र लिहिलं असेल दादाला, त्याच्या काही फार काही म्हणजे वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नव्हती। आम्ही आता नवाब भाई आमच्याकडे आहे की दुसरीकडे आहे की असा काही प्रश्न निर्माण केलेला नाही आहे, मग हा प्रश्न पुढचा आहे, पुढे काय होईल त्याच्यावर त्यावेळी म्हणजे हलवली होती ते सगळ्यांना माहीत आहे आणि म्हणून आम्ही त्यांच्याशी चर्चाच केली नाही, राजकीय चर्चा अजिबात आमची झाली नाही, फक्त एक सदिच्छा भेट त्यांची तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी आम्ही जरूर ही पण घेतली, अनेक आमच्या सगळ्यांनी दादांनी घेतली होती, समोरच्या बाजूनही सगळ्या म्हणजे मान्यवर गेले होते, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये नवाब भाईची भूमिका आज काय आहे की उद्या काय राहणार आहे त्याच्यावर मी भाष्य करू इच्छित नाही, फक्त एवढंच म्हणतो की त्यांची प्रकृती बरी व्हावी ही आम्ही। तो वही दूसरी ओर बात की जाए शीत सत्र के दूसरे दिन की, तो आज भी विरोधक किसानों के मुद्दे को लेकर आक्रामक दिखाई दिए। सदन शुरू होने से पहले ही कपास को अच्छे भाव को लेकर विधानसभा परिसर में आंदोलन किया गया। इस समय विरोधकों ने मोदी सरकार और शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस आंदोलन में विधायक नाना पटोले, विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, विधायक विकास ठाकरे, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे गुट के सभी विधायक शामिल थे। आज विरोधकों के साथ ही सत्ता पक्ष भी आक्रामक नजर आया, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे एवं कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा बोले गए स्वतंत्र वीर सावरकर के विषय में वादग्रस्त वक्तव्य का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और शहर अध्यक्ष जितेंद्र कुटकड़े
के नेतृत्व में नागपुर स्थित गांधी सागर तालाब के पास निषेध व्यक्त किया गया, जहां प्रियांक खड़गे का पुतला भी फूंका गया। इस समय बावन कुले ने जानकारी दी कि पूरे महाराष्ट्र में जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर है, हमारी महिला मोर्चा आदि सभी आघाड़ी के कार्यकर्ता आज प्रियांक खड़गे का निषेध कर रहे हैं। इस समय राहुल गांधी के संबंध में बोलते हुए बावन कुले ने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आकर स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का अपमान किया है, इसका पूरे राज्य में विरोध हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का अपमान महाराष्ट्र और देश का अपमान है। देखिए, पूरे देश में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। आज नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा महिला आघाड़ी की ओर से आंदोलन चल रहा है। हम सारे जिले में आंदोलन कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे ने जिस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया है, इसके पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आकर 2-3 बार अपमान किया है। और हमारे उद्धव ठाकरे जी कहते हैं हम हिंदुत्ववादी है, तो उद्धव ठाकरे को पहला सवाल है कि सत्ता की लालच में आप इतने झुक गए हैं, इतने टूट चुके हैं कि आप कांग्रेस पार्टी का अलायंस आप लेकर चल रहे हैं। तो आपको सवाल है कि क्या प्रियंक खड़गे का जो बयान है वो आपको मान्य है? स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान आपको मान्य है? अगर है तो बताइए, महाराष्ट्र की जनता आपका इंतजार कर रही है, आपका विचारों का इंतजार कर रही है। आपने बार बार स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करते हुए देखा है और आपने सत्ता की लालच में कुछ नहीं किया और आप उसी आघाड़ी को बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने ये कदम उठाया और आज पूरे महाराष्ट्र में प्रियंक खड़गे के पुतले जलाना जो भी उन्होंने आंदोलन किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। शीतकालीन सत्र के मौके पर विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, जहां राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा भव्य मोर्चा निकाला गया, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, सतीश चतुर्वेदी, विधायक सुनील केदार, बाला साहेब थोरा, साथ ही साथ युवा कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे, जहां भर्ती घोटाले समेत राज्य में चल रहे पेपर लीक घोटाले और किसान आत्महत्या आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस आक्रामक दिखाई दी। गौरतलब है इस समय मौजूद नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद युवा कांग्रेस के मोर्चे को अंजुमन कॉलेज से प्रस्थान हुआ। इस समय युवा कांग्रेस की पदाधिकारी शिवानी वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर घोटालेबाज होने का आरोप भी लगाया। तो वही इस मोर्चे के दौरान हुए हंगामे के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया, जिसके चलते माहौल और भी गर्मा गया, तो नारेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तरुणाईंना बर्बाद करण्याचं पाप हे सरकार करते आहे आणि या सरकारचं आपण पाहिलं असेल की फडणवीसांचं सरकार जेव्हा होतं त्यावेळेसही महाभरतीच्या नावाने ऑनलाईन तरुणांना लुटलं, नोकऱ्या दिल्या नाहीत, लाखो पदं महाराष्ट्रामध्ये खाली आहेत, लाखो पदं महाराष्ट्रात पदं खाली पडलेली आहेत आणि कंत्राटी भरतीच्या नावानं हे तरुणांना बर्बाद करतो आहे, त्यांचं आयुष्य बर्बाद करताय। म्हणून युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून हा सगळ्या तरुण आणि तरुणींचा मोर्चा विधानभवनावर निघालेला आहे, सरकारला उत्तर द्यावं लागेल। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष द्वारा खिलाफत का बिगुल फूंका गया, जहां संपूर्ण महाविकास आघाड़ी ने आज कामकाज के दौरान सभात्याग किया। गौरतलब है कि आज 6 मोर्चे मोर्चा स्पॉट पर आए थे।